ग्रुप डी की परीक्षा और ऐसे में 13,536 पोस्ट के लिए एग्जाम है। सीटी परीक्षा के लिए वो जो सुरक्षा के इंतजाम हैं वो भी किए गए हैं। हालांकि दो दिन में 13,75,151 अभ्यर्थी परीक्षा देने वाले हैं। तो हरियाणा के 17 जिलों में परीक्षा का आयोजन किया गया। चंडीगढ़ में परीक्षा केंद्र बनाया गया। परीक्षा के लिए प्रशासनिक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। तो वहीं छात्रों की तरफ से भी सारे इंतजाम किए गए हैं। सीसीटीवी से परीक्षा केंद्रों की निगरानी करेगा एनटीए। तो आज से ग्रुप डी की परीक्षा है। 13,536 पोस्ट के लिए एग्जाम है। सीटी परीक्षा के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। प्रशासनिक तौर पर हम देखें तो पूरी व्यवस्था की गई है ताकि किसी भी तरह की ऐसी कोई गतिविधि यहां जो है वो घटित ना हो। हालांकि 17 जिलों में परीक्षा का आयोजन किया गया है। चंडीगढ़ में भी परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं और ये तस्वीरें देखिए आप। अब आज से ग्रुप बी की परीक्षा है और ऐसे में ये देखिए एग्जाम को लेकर भी तमाम जो तैयारियां हैं, एग्जाम सेंटर्स के बाहर भी सुरक्षा व्यवस्था के एक अलग ही इंतजाम किए गए हैं। इस खबर पर भी लगातार हमारी नजर बनी रहेगी क्योंकि 17 जिलों में परीक्षा का आयोजन किया गया है। अलग अलग जगह से क्या कुछ कवरेज रहती है, क्या कुछ अपडेट्स रहते हैं, जल्द ही आपको जानकारी देंगे। परीक्षा के लिए प्रशासनिक तैयारी भी पूरी कर ली गई है। हालांकि बसेस में भी किस प्रकार से व्यवस्था की गई है वो तस्वीरें भी अब तक हमने साझा की है। सरकार की तरफ से भी तमाम जो बच्चे परीक्षा देने के लिए जा रहे हैं उनके लिए फ्री में बसेस की जो सुविधा है वो प्रदान की गई है। तो दो दिन में 13,75,151 अभ्यर्थी जो हैं वो आज परीक्षा देने वाले हैं। 17 जिलों में परीक्षा का आयोजन किया गया है। तो करीब करीब देखा जाए तो चाहे प्रशासन की तरफ से हो चाहे छात्रों की तरफ से हो तमाम इंतजाम किए गए हैं। हालांकि अगर छात्र परीक्षा देने के लिए जा रहे हैं तो एक आईडी प्रूफ जरूर साथ लेकर जाए। और साथ ही देखिए छात्रों की तरफ से अब ये जो दो तस्वीरें साझा कर रहे हैं, रेवाड़ी की तस्वीर देखिए और हिसार की तस्वीरें देखिए। हिसार वाली जो तस्वीर है वो आप देख पा रहे हैं, तमाम जो छात्र हैं कितने उत्साहित नजर आ रहे हैं। हालांकि तमाम छात्रों की जो परीक्षा देने वाले हैं उनकी तैयारी भी पूरी है। एक अलग ही उत्साह जो है वो छात्रों में आपको नजर आ रहा होगा। तो बसेस की व्यवस्था भी सरकार की तरफ से की गई है। इधर रेवाड़ी में भी देखिए इंटरनेशनल स्कूल के बाहर प्रशासन की तरफ से पुख्ता इंतजाम किए गए हैं सुरक्षा के। तो वहीं 13,536 के करीब जो छात्र हैं वो परीक्षा देने वाले हैं। तो परीक्षा के लिए क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं, इधर तीन तस्वीरें देखिए, गुरुग्राम, सिरसा, भिवानी। गुरुग्राम में भी इसी तरह की तस्वीरें नजर आई हैं। तमाम जो महिलाएं हों या फिर तमाम जो छात्राएं हों वो यहां पर जाती हुई नजर भी आ रही हैं। और सिरसा में देखिए किस प्रकार से बसेस की व्यवस्था की गई है ताकि किसी को भी कोई भी परेशानी किसी प्रकार की ना हो। और वहीं एक गार्डियंस के तौर पर भी अगर किसी छात्र के साथ जाना चाहता है तो वो भी जा सकता है। भिवानी में भी किस प्रकार से चेकिंग की गई है एग्जाम से पहले, परीक्षा केंद्रों के बाहर भी क्या कुछ इंतजाम किए गए हैं वो इन तस्वीरों के जरिए आप खुद देख पा रहे होंगे। और पलवल से मेरे सहयोगी दिनेश जुड़ गए हैं और अक्षय यादव भी जुड़ गए हैं। सबसे पहले दिनेश आपका रुख करना चाहूंगी, मैं क्या तस्वीरें आप देख पा रहे हैं क्योंकि देखिए आज सबसे अहम एग्जाम है, बच्चों की तरफ से क्या कुछ तैयारियां की गई है और प्रशासन की तरफ से क्या कुछ तैयारी की गई है दिनेश? हाँ देखिए मैं आपको बता दूं, आज पूरे हरियाणा प्रदेश में सीट एच डी ग्रुप की जो परीक्षाएं शुरू होने वाली हैं 10 बजे से परीक्षाएं शुरू होंगी। हालांकि परीक्षार्थी जो अंदर जाने शुरू हो गए हैं, बारीकी से जांच की जा रही है, कोई इक्विपमेंट्स या जो है ब्लूटूथ वगैरह जो इलेक्ट्रॉनिक सामान अंदर अलाउड नहीं है। यहाँ तक कि महिलाओं को ज्वेलरी, बाली और दूसरी अन्य चुटकी वगैरह भी अंदर ले जाना बिल्कुल मना है। बारीकी से जांच की जा रही है। पलवल जिले की बात करें तो पलवल जिले में 30 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं जिनमें 30 परीक्षा केंद्रों पर
750 पुलिसकर्मी तैनात रहेंगे, चप्पे चप्पे पर पुलिस की नजर है। धारा 144 सभी परीक्षा केंद्रों के बाहर लगा दी गई है, यानी कि पार्किंग भी 200 मीटर तक अलाउड नहीं है। कोई जो जो परीक्षार्थी जो या उनके सहयोगी आए यहाँ पर, वो अपनी पार्किंग भी दूर रखेंगे, गाड़ियां दूर रखेंगे। जिस तरह से आप देख सकते हैं, पलवल के सीनियर सेकेंडरी स्कूल में हम मौजूद हैं, यहाँ पर 10 बजे से परीक्षा शुरू होगी। परीक्षा जांच की जा रही है, आई कार्ड देखे जा रहे हैं, और सबसे बड़ी बात है कि महिलाओं के जो ज्वेलरी अंदर नहीं ले जा सकती, कोई जो भी है कुंडल करें, दूसरी जो बाली वगैरह पहनते हैं उनको भी निकाले जा रहे हैं। आप देख सकते हैं चूड़ियां निकाली जा रही हैं, बारीकी से यहाँ पर जो अंदर जो जांच करके भेजा जा रहा है। सबसे बड़ी बात है कि पलवल जिले की बात करें तो पलवल जिले में 30 परीक्षा केंद्रों पर 750 पुलिसकर्मी तैनात है, चप्पे चप्पे पर पुलिस की नजर। 144 सभी परीक्षा केंद्रों पर लगी हुई, 22 अक्टूबर में ये डी ग्रुप की परीक्षा होनी है, तो ऐसे में जो है सरकार की तरफ से सभी तैयारी, परीक्षार्थियों ने रजिस्ट्रेशन कराया है। हरियाणी रोडवेज की जो है रोडवेज के बस स्टैंडों पर हेल्प डेस्क बनाई गई है, यानी कि हेल्प डेस्क के जरिए वहां से भी इसकी जानकारी ले सकते हैं। जो हरियाणा रोडवेज की सभी बसों में परीक्षार्थी आज फ्री सफर करेंगे, ये एक कहीं ना कहीं एक तोहफा है परीक्षार्थियों के लिए, फ्री उनको सफर दिया जा रहा है। सफल संचालन के लिए सरकार ने पुख्ता इंतजाम किए हैं। जिले में बात करें तो सिटी कोऑर्डिनेटर नियुक्त किए गए हैं। परीक्षा केंद्रों में 200 मीटर के दायरे में कोई पार्किंग नहीं होगी, कोई ऐसी गतिविधि नहीं होगी जिसके लिए पुलिस यहाँ पर। दिनेश आप बने रहिए हमारे साथ, आप जरूर से अपडेट लेंगे। हम हमारे साथ अक्षय भी जुड़े हुए हैं। अक्षय, आपके पास आना चाहूंगी मैं, क्या कुछ तस्वीरें आप देख पा रहे हैं छात्रों की तरफ से और प्रशासन की तरफ से, क्या कुछ तैयारियां की गई हैं, सुरक्षा को लेकर क्या इंतजाम आपने देखे हैं? बिल्कुल साधना, मैं आपको बता दूं कि आज हरियाणा के अंदर आज और कल जो है सीट यानी कि जो कॉमन एलिजिबिलिटी जो टेस्ट है उसकी जो परीक्षा है वो आयोजित करवाई जा रही है, और इसको लेकर जिला प्रशासन के द्वारा भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। हरियाणा के 17 जिलों के अंदर ये परीक्षा आयोजित होगी। कुल जो 798 जो परीक्षा के केंद्र बनाए गए, जिनमें 13 लाख के करीब जो परीक्षार्थी वो परीक्षा देंगे, उसको लेकर जो जिला प्रशासन है वो लगातार कई दिन से पहले से जो बैठ के और तैयारी कर रहा था। आज ये परीक्षा आयोजित होगी 4 शिफ्टों के अंदर। महेंद्र गढ़ के अंदर करीब जो 41 जो परीक्षा केंद्र है वो प्रशासन के द्वारा बनाए गए, जिनमें प्रत्येक शिफ्ट के अंदर जो 20,000 के करीब जो परीक्षार्थी हैं एक शिफ्ट के अंदर एग्जाम देंगे, और कुल 13 लाख के करीब जो अभ्यर्थी है उन्होंने इसके लिए आवेदन किया था, और 13,500 जो भर्ती की जो पोस्ट है उनके लिए ये परीक्षा आयोजित की जा रही है। जिला प्रशासन की अगर मैं बात करूं तो जो कुल पुलिस अधीक्षक है उन्होंने तमाम जो परीक्षा केंद्र है उनका दौरा किया था। हरियाणा रोडवेज के द्वारा परीक्षार्थियों को परिवहन की सुविधा जो मुफ्त उपलब्ध करवाई गई, इसको साथ ही देखते हुए महेंद्रगढ़ से करीब जो 650 रोडवेज की जो बसें हैं वो आज जो विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर विद्यार्थियों को लेकर जाएंगी, तथा जो दूसरे जिलों से जो परीक्षार्थी महेंद्रगढ़ के अंदर पहुंचेंगे उनको महेंद्रगढ़ के बस स्टैंड से और जो परीक्षा केंद्र है वहां तक पहुंचाने का जो जिम्मा है वो भी जिला प्रशासन ने लिया है, तथा महेंद्रगढ़ के बस स्टैंड पर हेल्प डेस्क लगाई है, वहां से जो परीक्षार्थियों अपनी जानकारी लेकर उन बसों के माध्यम से उनको परीक्षा केंद्र तक पहुंचाया जाएगा, तथा जिला प्रशासन के लिए ये कहीं ना कहीं ये चुनौती भी है कि जो शांति प्रिय जो परीक्षा है उसको करवाना है, क्योंकि 13 लाख के करीब जो परीक्षार्थी हैं और कहीं ना कहीं ये जो बड़ा एग्जाम है ये करवाया जा रहा है। विपक्ष भी लगातार जो सरकार है उस पर हमला बोलता है कि जिस तरह से पहले जो पेपर लीक के जो मामले हुए हैं उसको लेकर भी कहीं ना कहीं अब की बार जो जिला प्रशासन व हरियाणा सरकार को सतर्क रहना होगा, और 2 दिन के अंदर इस परीक्षा का आयोजन होना। जी बिल्कुल अक्षय, बात करें तो हालांकि एग्जाम से पहले तमाम जो गाइडलाइंस हैं वो छात्रों को दे दी जाती हैं कि आप आभूषण ना पहन के आए, तो क्या जो तमाम छात्र हैं वो पहले से अवेयर हैं, या फिर अभी भी ऐसा कुछ देखने को मिल रहा है कि वो आभूषण पहनकर आ रही हैं, तमाम जो गाइडलाइंस है उनका पालन नहीं किया जा रहा? बिल्कुल साधना, जो भी जो परीक्षार्थी परीक्षा केंद्र के अंदर जो प्रवेश करता है उसकी बकायदा पूर्ण रूप से जो चेकिंग है वो की जा रही है, साथ ही जो महिलाएं उनको पहले से ही इंस्ट्रक्शन है एडमिट कार्ड के अंदर दिए गए थे कि वो किसी भी तरह का आभूषण है वो पहनकर ना आए, और उसके बावजूद भी जो लगातार है वो चेकिंग की जा रही है, साथ ही बायोमेट्रिक व फेस मैच होने के बाद ही जो परीक्षार्थी है उनको परीक्षा केंद्र के अंदर प्रवेश दिया जा रहा है, तथा पुलिस अधीक्षक के सख्त निर्देश है कि जिस कर्मचारी की परीक्षा केंद्र के अंदर ड्यूटी है केवल उसी को परीक्षा केंद्र के अंदर प्रवेश दिया
जाए, इसके अलावा किसी भी अन्य बाहरी व्यक्ति को परीक्षा केंद्र के अंदर प्रवेश नहीं दिया जाए तथा खुद जो पुलिस अधीक्षक है वो विभिन्न परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण कर रहे हैं। ड्यूटी मजिस्ट्रेट सरकार के द्वारा लगाए गए हैं जो विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर नजर रखेंगे और ये पूरी तरह से जो शांति प्रिय परीक्षा है जैसे ग्रुप सी की हुई थी उसी तरह से ग्रुप डी की जो परीक्षा शांति प्रिय करवाने की जो व्यवस्था है वो प्रशासन की तरफ से की गई है। कोई भी गलती है जो प्रशासन नहीं करना चाहता, खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने 2 या 3 दिन पहले जिला प्रशासन के तमाम अधिकारियों के साथ बैठक की थी, उन्होंने इसमें भी सख्त निर्देश दिए थे कि किसी भी तरह की जो कोताही है वो इस परीक्षा के अंदर ना बरती जाए और 13,500 जो वैकेंसी है उनको कहीं ना कहीं जो चतुर्थ श्रेणी की जो वैकेंसी है उनको भरने का कार्य ये किया जाएगा और इसके लिए ये बड़ी जो परीक्षा है इसका आयोजन जो NTA है यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी है उसको जिम्मा दिया गया है और उसके द्वारा इस परीक्षा का आयोजन करवाया जा रहा है। जी चलिए अक्षय बहुत शुक्रिया, दिनेश आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया नजर बनाए रखने के लिए खबर पर और अपडेट देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो देखिए आज से ग्रुप डी की परीक्षा है और ऐसे में तमाम जो तैयारी है छात्रों की तरफ से भी की गई है और प्रशासन की तरफ से भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और ऐसे में अब 13,000 से ज्यादा ऐसे पद हैं जिनको देखते हुए तमाम छात्राएं हों या फिर छात्र हों वो एग्जाम देने के लिए अपने सेंटर पर पहुंच चुके हैं और कुछ जो गाइडलाइंस हैं सरकार की तरफ से वो भी यहां पर दी गई है। अब जो इससे जुड़ी हुई बड़ी जानकारी है वो दे देते हैं, 21 और 22 को ये एग्जाम है, 13,536 पदों के लिए परीक्षा होगी, करीब 13,75,151 परीक्षार्थी परीक्षा देंगे, 2 शिफ्टों में परीक्षा होगी, हर सीटिंग में बैठेंगे करीब 3,44,000 परीक्षार्थी। चंडीगढ़ प्रदेश के 17 जिलों में बनाए गए हैं 798 परीक्षा केंद्र, पंचकुला रेवाड़ी महेंद्रगढ़ पलवल सिरसा फतेहाबाद भिवानी हिसार कैथल फरीदाबाद गुरुग्राम सोनीपत पानीपत करनाल कुरुक्षेत्र यमुनानगर अंबाला में ये परीक्षा होनी है। तो देखिए सिटी ग्रुप डी परीक्षा से जुड़ी हुई क्या क्या जानकारी है इसका हम जिक्र कर रहे हैं। जिलों में सिटी कोऑर्डिनेटर और ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए, बायोमेट्रिक और फेस ऑथेंटिकेशन से की जाएगी परीक्षार्थियों की पहचान। तो ये सबसे अहम जानकारी जो ग्राफिक्स के माध्यम से आपको दे रहे थे।